नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। भारत में अगले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है और इसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों कंपनीज ने भी उत्पादन तेज करने की बात कही है। कोरोना को लेकर इस वक्त जहां भारत में हालात ठीक हो रहे हैं, वहीं ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि वहां दो दो वैक्सीन है और वैक्सीनेशन शुरू भी हो चुकी है। लेकिन ब्रिटेन की हालत दिखाने से पहले आपको हम अमेरिका लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है। Tripling in size, filling up the entire western side of the parking lot. Los Angeles के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है और नीचे हजारों गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये लॉस एंजेलिस का डॉजर स्टेडियम है और यहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। यहाँ कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं हो रहा, बल्कि लोग यहाँ अपना कोरोना टेस्ट कराने पहुंचे हैं। ये डॉजर स्टेडियम है, यहाँ कोविड टेस्टिंग सेंटर जो है वो दिगुने साइज में बदल गया है। पूरा पार्किंग का इलाका भरा हुआ है और अब भी गाड़ियाँ स्टेडियम की तरफ पहुँच रही हैं। कोरोना टेस्टिंग को लेकर ऐसा पैनिक अमेरिका में तब है जब फाइजर वैक्सीन रोल आउट हो चुकी है। करीब 50 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार के आगे वैक्सीनेशन पीछे छूट रहा है। लॉस एंजेलिस की ये भीड़ बताती है कि घबराहट कितनी ज्यादा है। पिछले 9 महीनों में यहाँ 4 लाख केसेस सामने आए थे, लेकिन दिसंबर के बाद यहां 8 लाख नए केस सामने आ चुके हैं और ये भीड़ इसका सबूत है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के बाद ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इससे भी डराने वाली रिपोर्ट ब्रिटेन से मिल रही है, जहां नए साल में लॉकडाउन लग चुका है। ब्रिटेन में नए साल में लगे लॉकडाउन की पहली सुबह ऐसी है। बिग बेन का घंटाघर सुबह के 8:30 बजा रहा है। देखिए, लंदन एक बार फिर शून्य में चला गया है। सड़कें सूनी पड़ने लगी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि लॉकडाउन करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। This new variant is between 50. हमारे वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि नया स्ट्रेन 70% तक ज्यादा खतरनाक है। More likely to catch the virus. ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वर्जन के आगे सरकार के ऑप्शन खत्म हो चुके हैं और ऐसा वहां एक नहीं बल्कि दो दो वैक्सीन आने के बावजूद हो रहा है। 15 फरवरी तक 6.5 करोड़ लोगों का देश ब्रिटेन ऐसे ही बंद रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे अस्पताल अब बहुत ज्यादा दबाव में है, जब कोरोना पहली बार शुरू हुआ उससे भी ज्यादा दबाव है। नई वैक्सीन के बीच ब्रिटेन में ऐसी दहशत बाकी मुल्कों को भी डरा रही है। वायरस के नए स्ट्रेन आने के बाद देखिए ब्रिटेन के कुछ लेटेस्ट फिगर्स। 29 दिसंबर के बाद से ब्रिटेन में कोरोना के रोज 50,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। ये टावर देखिए और इसकी गंभीरता को समझिए। इन आंकड़ों के आगे बोरिस जॉनसन की सरकार घुटनों के बल बैठी नजर आ रही है। We need to do more. जब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, तब हमें नए स्ट्रेन को रोकने के लिए बहुत कुछ करना होगा। वैक्सीन्स आर रोल्ड आउट। ब्रिटेन में 2021 वाले लॉकडाउन में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। गैर जरूरी कैटेगरी में आने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटेन में अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन करीब 10 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन में 8 दिसंबर को 90 साल की मार्गरेट किनन को फाइजर की पहली वैक्सीन दी गई और अब 82 साल के ब्रायन पिंकर दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दी गई। Vaccine means everything to me. I mean it. ये वैक्सीन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसी के जरिए हम सामान्य जिंदगी गुजार पाएंगे। ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए और उन्हें वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। It's a no-brainer. They need to come, don't they? ये वाकई गेम चेंजर है। मेरे ख्याल से यहाँ NHS में मेरे सभी साथी इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते कि सभी लोग वैक्सीन लें। जो लोग 80 साल की उम्र से ज्यादा हैं, वो केयर होम में रहते हैं, वहाँ का स्टाफ उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस वैक्सीनेशन के बीच भी ब्रिटेन बंद हो रहा है। ब्रिटेन का ये लॉकडाउन क्यों डराने वाला है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ये बात गौर से सुनिए, वो होश उड़ा देने वाले आंकड़े बता रहे हैं। In England alone, the number of COVID patients in hospitals has increased. सिर्फ ब्रिटेन के अस्पतालों में कोरोना के जो मरीज हैं, वो पिछले एक हफ्ते में 27,000 की तादाद से बढ़े हैं और ये पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले 40% ज्यादा हैं। 29 दिसंबर को तो 80,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए और ये रिकॉर्ड है।
मौत की तादाद 20% बढ़ गई है और अफसोस कि ये और बढ़ेगी। Is up by 20% over the last week and will sadly rise further. ब्रिटेन के नए कोरोना वायरस ने एक साल के किए पर पानी फेर दिया है। कोरोना के इतने ज्यादा केस उस वक्त भी दर्ज नहीं किए गए जब कोरोना पूरी दुनिया में पीक पर था। ब्रिटेन में अब तक कोरोना के 27 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत बुरा होने वाला है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सख्ती जरूरी है, ये हमें तबाह कर देगा अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना होगा और अगर हम ये लॉकडाउन से कर सकते हैं तो हमें ये करना ही होगा। लोगों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को घर में रहना पड़ेगा, वो दफ्तर तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। बहुत मुश्किल है, संतुलन बनाना ये आसान नहीं होगा। लोगों को लॉकडाउन में रखना आसान नहीं और फिर अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इससे पहले बुरे दौर से गुजर चुका है। खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन बाकी दुनिया की तरह ब्रिटेन में भी हालात सुधरे और सब कुछ सामान्य नजर आने लगा। लेकिन वायरस का नया स्ट्रेन ऐसी मुसीबत बनकर सामने आया कि किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना को लेकर दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ये कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा और हमें ये बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा। हमें लोगों को समझाना होगा कि ये उनके लिए जरूरी है। बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। हमें स्कूलों को बंद करने की गंभीरता को समझना पड़ेगा, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। मैं नहीं कह रही कि जो भी फैसला ले रहा है वो आसान है, लेकिन इससे बच्चों की सेहत पर बहुत असर पड़ेगा। ब्रिटेन के कॉन्फिडेंस को समझिए, ये नए लॉकडाउन को लेकर गिरा हुआ है या फिर उसे दो दो वैक्सीन होने के बावजूद बुलंदी पर होना चाहिए। फाइजर और ऑक्सफोर्ड दोनों वैक्सीन होने के बावजूद ब्रिटेन कोरोना से जूझ रहा है। Vaccine, it's new manufacturing. Each batch needs to be looked at before it's released. We have around 500,000 of the AstraZeneca this week. We will be getting more over the coming weeks and months. But our aim in the NHS is to get the vaccines, whether it's Pfizer or AstraZeneca, into people's arms as soon as we get them. So if we are delivered 2 million vaccines a week, then our aim is to get 2 million into people's arms. Lekin sirf Britain hi nahi, dusre mulk bhi alert ho chuke hain. ब्रिटेन से निकला वायरस का नया स्ट्रेन कई देशों तक पहुंच चुका है। नया स्ट्रेन वायरस में म्यूटेशन से आया है। इससे वायरस और ज्यादा खतरनाक हुआ है और इससे संक्रमण की ताकत बढ़ी है। जर्मनी में खतरे को देखते हुए 31 जनवरी तक कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। नए साल पर जर्मनी के हिल स्टेशन भी बंद है। चीन में भी नया स्ट्रेन बहुत तेजी से फैल रहा है। बीजिंग के अलावा दलियान से जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक टेस्टिंग के बावजूद ये स्ट्रेन पकड़ में नहीं आ रहा और ब्लड क्लॉटिंग हो रही है जिससे हार्ट अटैक हो रहे हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक अस्पताल के 44 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि कैंसर परमानेंट नाम के इस अस्पताल के सभी सेंटर में काम कर रहे 44,000 स्टाफ को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन अब 44 केस सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जब अमेरिका और ब्रिटेन में नए स्ट्रेन आने के बाद केस सामने आ रहे हैं, ये नया स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है और कई राज्यों में नए स्ट्रेन वाले कोरोना मरीज हैं जिन पर नजर रखी जा रही है। अभी दुनिया भर में कोरोना के करीब 9 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है जहां 2,13,00,000 केस सामने आए, 3,62,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत दूसरे नंबर पर है जहां 1 करोड़ से ज्यादा केस आए हैं और 1,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए भारत में वैक्सीन को लेकर इमरजेंसी समझी जा सकती है। इसके लिए ड्राई रन भी हो चुका है और अब सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है और इसके लिए इस वक्त 2 वैक्सीन हैं जिन्हें इमरजेंसी यूज की इजाजत मिल चुकी है। पहली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कर रही है। वहीं दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। ये वैक्सीन पूरी तरह भारत में बनी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैली है और इस विवाद के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों कंपनी एक साथ सामने आई हैं। दोनों कंपनियों के प्रमुखों ने कहा है कि वो भारत और विदेश के लिए मिलकर वैक्सीन बनाएंगे।
दोनों वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। अब फोकस वैक्सीन के उत्पादन और उसकी सप्लाई पर है ताकि लोगों को बेहतर क्वालिटी, सुरक्षित और असरदार वैक्सीन मिले। दोनों कंपनियां इसमें पूरी तरह लगी हुई हैं और वैक्सीन का सही रोल आउट करना अपना फर्ज मानती है। केरल की डिमांड आपको जाननी चाहिए। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन को लेकर केरल को तरजीह मिलनी चाहिए, यानी केरल सरकार या तो कोविशील्ड वैक्सीन मांग रही है या तो कोवैक्सीन। केरल में रोज करीब 5,000 नए केस सामने आ रहे हैं और इसे देखते हुए वाकई वहां इमरजेंसी वाले हालात हैं। वैक्सीन के साइंटिफिक आंकड़ों को लेकर बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि साइंस ही है जिसकी बुनियाद पर कोरोना को हराने की कोशिश हो रही है। लेकिन वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल 135 करोड़ जिंदगी का है, इसलिए यह भारत के लिए बहुत अहम होने वाला है। वैक्सीनेशन का पूरा प्रोजेक्ट आसान नहीं होगा, बहुत सी मुश्किलें सामने आएंगी और उन्हें सुलझाया जाता रहेगा, लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन जरूरी है। ममता बनर्जी का जन्मदिन है, लेकिन उनके बर्थडे पर ही उनकी एक और विधायक ने बड़ा झटका दिया है। हावड़ा से तृणमूल विधायक वैशाली डालमिया ने ममता का साथ छोड़ दिया है। वैशाली डालमिया ने ममता पर क्या बड़े आरोप लगाए, देखिए ब्रेक के बाद।